बहुत सारे पेरेंट्स का ये मानना होता है कि जब बच्चा सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया है उसने, तो दूध बिस्किट ज़रूर खाना खिलाना चाहिए ताकि बच्चे की अच्छी तरह से विकास हो सके, बच्चा बिल्कुल चबी और गोलमटोल हो जाए। तो इस बारे में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे खुद के भी क्या एक्सपीरियंस रहे हैं दूध और बिस्किट को लेके, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि दूध और बिस्किट को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है पेरेंट्स के बीच में। वो पेरेंट्स के बीच में इतना ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए होता है क्योंकि ये इजी टू फीड हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा माँ बाप के लिए कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगी वो चीज़ें वो जल्दी ऑप्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सच्चाई बात है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। और ये उनको ऐसा लगता है कि दूध के साथ अगर हम बिस्किट दे रहे हैं तो बच्चे को वो बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि दूध के साथ साथ जो आप बिस्किट दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरह से प्रोसेस करके बनाई जाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मैदा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे शुगर होते हैं जो कि बच्चे के डाइजेशन के लिए सही नहीं होता है। तो अगर आप बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट आपने किया है तो स्टार्ट करने का मतलब होता है कि बच्चे को हल्की फुल्की मिल्क से अलग कोई ऐसी चीज़ दें जो कि बच्चे के लिए डाइजेस्टेबल हो, जैसे कि फ्रूट की प्यूरी देना। आप बच्चे के लिए एप्पल की प्यूरी बना करके दे सकते हैं, एप्पल को अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, उसको पील कर लीजिए, पील करने के बाद उसको अच्छी तरह से हाथ से या मैशर से मैश करने के बाद आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, क्योंकि दूध के अलावा फ्रूट ऐसी चीज़ होती है जिससे कि बच्चा इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाता है और प्रॉपर और अच्छी मात्रा में बच्चे को फाइबर भी मिलती है। तो आप चाहे तो एप्पल के अलावा बनाना भी दे सकते हैं, कुछ ऐसे पल्प दे जा सकते हैं जैसे कि मैंगो की शुरुआत आप कर सकते हैं हल्का फुल्का, जैसे कि मिल्क के साथ अगर मैंगो का जो पल्प होता है उसको अगर मैश करके देना शुरू करते हैं तो ये सारे जो फ्रूट आइटम होते हैं वो आपके बच्चे के लिए अच्छे होते हैं। जैसे वाटरमेलन के ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया था, तो वाटरमेलन भी आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी प्यूरी भी आप दे सकते हैं, जूस के फॉर्म में नहीं बल्कि उसके पल्प को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके आप बच्चे को फीड करा सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। वहीं पर दूसरा ऑप्शन होता है दालों का, लेकिन दालों के पानी देने से अच्छा होता है कि दाल का जो निचला पोर्शन होता है जो बिल्कुल गल जाता है वो आप बच्चे को फीड कराइए, ताकि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिल सके, क्योंकि दाल का जो पानी होता है उसे वाटर का कंटेंट जाता है, उतना प्रोटीन का इंटेक नहीं जा पाता है। तो पानी को ना देके उसका जो पल्प होता है दाल का जो बिल्कुल गला हुआ सा होता है वो आप बच्चे को हल्का सा मैश करके दे सकते हैं, और वो हल्का नमकीन लगेगा, बच्चे को अच्छा भी लगेगा, वो टेस्ट की वजह से वो उसको खा भी सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके बच्चे के लिए जो होती है राइस का पानी। राइस का पानी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो आप धीरे धीरे करके जो माड़ होती है वो आप बच्चे को दे सकते हैं, या फिर आप राइस को अच्छी तरह से उसको उसका जो प्यूरी आप बना सकते हैं हल्का हल्का मैश करके भी आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। इस टाइम पे जब बच्चा सॉलिड फूड में आता है तो आपको ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अब रहा ऑप्शन कि आप बच्चे को दूध और बिस्किट कब खिलाएं, तो दूध और बिस्किट आपको लगता है कि बिस्किट को गला दिया आपने दूध में तो एक सेरेलेक का उसने काम कर दिया, तो सेरेलेक ऑलरेडी आप जब खिला रहे हैं, सेरेलेक के बहुत सारे फायदे नुकसान सब कुछ मैंने अपने चैनल पर बताया है, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी, जिसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि सेरेलेक खिलाना चाहिए या फिर नहीं खिलाना चाहिए। हालांकि मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी, आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब होता क्या है कि आप दूध और बिस्किट को एज अ ऑप्शन रखते हैं, तो दूध और बिस्किट देना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको इमरजेंसी के केस में रखिए। कभी ऐसा होता है कि आप जब आउटिंग पे होते हैं तो बच्चे की फीडिंग को लेके ही आपको चलनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे ने मतलब एक बिस्किट या आधा बिस्किट अगर वो खा भी लेता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को नुकसान करेगा। कुछ ऐसे बिस्किट आपको चूज़ करने चाहिए जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अब आप समझ गए, यहाँ पर मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप समझ गए कि कौन सी बिस्किट को देना सही रहेगा। लेकिन जनरल केसेस में बिस्किट का ऑप्शन आपको तभी रखना है जब आपका बच्चा 1.5 साल 2 साल से ऊपर हो जाता है, उसकी डाइजेशन काफ़ी अच्छी बन जाती है, तो कभी आप बाहर जाते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जब बच्चे को भूख लग जाती है, उसको फीडिंग चाहिए होती है, उसको भोजन चाहिए होता है, तो आप बच्चे को 2 से 3 बिस्किट खिला करके उसको थोड़े देर के लिए शांत कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिस आपको नहीं बनाना है, ऐसा नहीं करना है कि 6 महीने का आपका बच्चा है और उस टाइम पे आप उसको दूध और बिस्किट को अच्छी तरह से घोल करके पिला रहे हैं खिला रहे हैं, उसको भोजन आपको नहीं बनाना है। भोजन का सब्स्टिट्यूट कभी भी बिस्किट नहीं हो सकता है। बिस्किट खाना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि बिस्किट बुरा है बच्चों के लिए, लेकिन वो बिस्किट चूज़ करें जो कि हेल्दी हो और साथ ही साथ
उनको इमरजेंसी के केस में यूज़ करिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जब ज़रूरत हो तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिल्क का आप बच्चे को सेवन कराइए, दूध बिस्किट ना खिला के सिर्फ आप उसको मिल्क पिला दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप दूध में आप चावल की खीर जैसे बना सकते हैं, उसको अच्छी तरह से मैश करके दे दीजिए, थोड़े से सूजी के हलवे बना लीजिए, उसमें आप दूध के साथ बच्चे को मिक्स करके दे दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे दलिया आप बना सकते हैं, दलिया भी बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। आप बच्चे के लिए खिचड़ी बना सकते हैं। तो इस तरह के धीरे धीरे आप फूड आइटम को इंट्रोड्यूस करिएगा, बच्चे को अच्छा फील होगा। लेकिन मेक श्योर करिए कि जब भी अगर आप कोई भी नई चीज़ बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आपको अर्ली मॉर्निंग में करना है। जैसे कि जो फर्स्ट मील होती है बच्चे की, जैसे मिल्क वगैरह पी लिया, उसके बाद जब बच्चा भोजन करने बैठा है तो 8 से 9 बजे तक आप बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है, अगर कुछ एलर्जी होती है, तो पूरा दिन भर का टाइम आपके पास होता है कि आप डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं। लेकिन शाम के वक्त, रात के वक्त बच्चे को कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस मत करिएगा, जिससे कि कुछ नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बच्चे को खिलाना शुरू करें, फिर बच्चे की हाव भाव को नोटिस करें। अगर वो उसके साथ कंफर्टेबल है, उसकी पॉटी में भी दिक्कतें नहीं आ रही हैं, ना ही स्टूल हार्ड हो रहा है, आप उसको नोटिस कर लीजिए, तभी आप उसको कंटिन्यूटी में लेके आइए। और आप बच्चे को जितना तरह तरह के फूड को इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चा खाने का शौकीन होगा। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि आप दूध में रोटी को डाल करके जितना अच्छी तरह से खिला सकते हैं, उतना दूध के अंदर बिस्किट डाल के खिलाना आप उसको प्रेफर ना करें। क्योंकि रोटी में कहीं ना कहीं आप वीट दे रहे हैं बच्चे को, जो नेचुरल आपका घर का बना हुआ है, घर की रोटी है, उससे आपको संतुष्टि मिलेगी कि आप बच्चे को आपने दूध रोटी खिलाई, हल्के हल्के मैश करके, छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है बच्चे को आराम से वो स्वेलो भी हो जाएगा। लेकिन बिस्किट आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, तो बिस्किट आपको सेवन नहीं करानी है। मुझे लगता है ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और जरूरी वीडियो की लिंक मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी जो आपको देखना चाहिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सरलेक के भी बारे में और फूड क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है सबके बारे में मैंने बताया है। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी अच्छी रही है, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी के।